नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शरद पूर्णिमा इस वर्ष 9 अक्टूबर को रखी जाएगी। इसमें सभी लोग माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा अर्चना और आरती करते हैं। साथ ही साथ उस दिन माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग भी लगाया जाता है। यदि हम व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रख रहे हैं तो इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और साथ में कथा अवश्य ही सुनें। तो आइए हम सब मिलकर शरद पूर्णिमा व्रत की कथा सुनते हैं, जिसे सुनने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। कथा प्रारंभ करती हूँ। माँ लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियाँ हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करती थी और वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनकी अवहेलना कर देती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर पे भी हुआ, परंतु उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। दो तीन बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं हो पाता है, तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता भी न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह बच्चा जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन तो पहले डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझे बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो मरा हुआ पहले से ही था। दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह बच्चा जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन किया करूंगी। उसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि विधान पूर्वक किया। इस व्रत के महत्व और फल को पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु भगवान ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किए, वैसे ही हम सब पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। जय माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा समाप्त हुई। धन्यवाद दोस्तों।